अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वली दार्किंग व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर आपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफी की है या तस्वीर उतारी है घर में या आउटडोर या कहीं पे भी, तो फ़ोटो कैसे अपलोड होगी जो मोबाइल कैमरा से आपने बनाई। तो मेरे पास आईफोन है, तो ऐप स्टोर से मैंने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की ऐप डाउनलोड की और उसको मैंने लॉगिन किया। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके उस लिंक पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्लिक करके आपने गेट स्टार्टेड करना है। नेक्स्ट स्क्रीन जो खुलेगी तो आप बेसिक डिटेल्स देकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास व्यू कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अब हम ओपन करने लगे हैं कंट्रीब्यूटर ऐप। इस तरह से आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये देखें इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एरो का बटन है नीचे, आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट पे प्लस का साइन है, उसे क्लिक करके आपकी गैलरी खुल जाएगी। पिक्चर सिलेक्ट करें और ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद वो पिक्चर यहाँ पे आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा तो हम इसको डिटेल्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिशिंग में है इस वक्त। तो अब वो मैसेज आ गया, इमेज सक्सेसफुली, ठीक है। इमेज पे क्लिक किया, आपके सामने ये एक स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। वो डिटेल्स हमने बतानी है, ऊपर थंबनेल आ गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने टाइप करना है कि ये पिक्चर क्या है। शटरस्टॉक को नहीं पता तो आपने ही बताना है, ठीक है। तो लिख के बताएंगे, ये इसका टाइटल भी हो सकता है, इसका डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं आप इसको। आपने कुछ अच्छे अल्फाज में जो उस पिक्चर से रेलेवेंट हों, ठीक है। आपने सीनरी उतारी है, सीनरी में जो जो चीज़ें आपको फ़ोटो में आपकी दिख रही हैं आपने वो ही बतानी है। जितना अच्छा खुल के बताएंगे, 200 अल्फ़ाबेट्स की हमारे पास जगह होती है, खुल के लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मिस्टेक मैंने ठीक कर ली, टाइपिंग में आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश के वर्ड्स स्पेलिंग के साथ आने चाहिए। और इस तरह से आपने लिखना है, 10 रुपी पाकिस्तानी करेंसी नोट, ओल्ड 10 रुपी करेंसी नोट, आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और ये देखिए फ्रंट की स्पेलिंग अब ठीक की है, फ्रंट साइड ऑफ ओल्ड पाकिस्तान करेंसी, ठीक है। तो ये बस स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक देखनी है आपने। और यहाँ पे जब टाइटल आपका कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग कीवर्ड्स आ रहे हैं, कुछ वो सजेस्ट कर रहा है, तो हमें जो जो रेलेवेंट लगते हैं वो क्लिक करते जाएं, वो ऐड होते जाएंगे। ये आपके हैशटैग्स होते हैं, इसी की सर्च, यही आपकी सर्च में आते हैं। जब भी क्लाइंट सर्च करेगा ना 10 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट, तो इस टैग्स में अगर वो 10 रुपीज़ या पाकिस्तानी नोट का लफ्ज़ होगा तो ये सर्च में आ जाएगा। वो अलग बात है, बाद में क्लाइंट को आपकी पिक्चर पसंद आए ना आए, वो एक अलग रीज़न है। उसके बाद नीचे हमारे पास टैग्स लिखने की भी ऑप्शन है, लाइक अगर उनके टैग्स ख़त्म हो गए तो हम खुद से भी जो है टैग्स लिख सकते हैं। टैग आप खुद माइंड से जो भी आपको पिक्चर के रेलेवेंट आपको याद आते रहें वो आपने टाइप करते रहना है। 50 कर लेंगे तो अच्छी बात है, ना करें कम 30-40 भी चल जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि फाइल की फिर SEO जो है उस हिसाब से ज़रा कम होती है, कम सर्च में आती है, ठीक है। लेकिन जितने अच्छे वर्ड्स ज़्यादा दे देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ये ना हो कि एक साल बाद आप जब एनालाइज करें कि ये इस पिक्चर ने मुझे एक साल में $10 का बिजनेस दिया है, तो आपको ये मलाल ना हो कि ज़्यादा दे देता। उसके बाद ये तीन ऑप्शन हैं, कैटेगरी की ऑप्शन है, कैटेगरी में जो आपने जो रेलेवेंट है फिनांस की थी मैंने दे दी। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आपने नहीं छेड़नी मोबाइल से, अगर मोबाइल फ़ोटो है ना, एडिटोरियल को, ना इलस्ट्रेशन को, ना मेच्योर कंटेंट को, ये आपने ऑफ रखनी है। उसके बाद है रिलीजेज और एड रिलीज, वो भी नहीं करने, सब छोड़ देना। उसके बाद सीधा आपने सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट दबाते ही आपके पास ये सबमिटिंग का साइन आता है, मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से गायब हो गई फाइल, अब पेंडिंग में आके देखेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर मौजूद होगी। और यहाँ पे आप लोड करेंगे, उसके थंबनेल लोड हो जाएंगे, और जो प्रीवियसली मैंने सबमिट की हुई थी वो भी यहाँ से हमें शो हो रही है। रेटिंग मैं इसको हमेशा कम ही देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। अच्छा, तो 10 रुपी पाकिस्तानी करेंसी नोट की ये पेंडिंग रिव्यू में आ रही है, तो परेशान नहीं होना, ये 5 दिनों के अंदर अंदर अप्रूव हो जाती है। अप्रूव होगी तो ये रिव्यूड में इस तरह से आ जाएगी, और फाइल्स के साथ लिखा आ रहा होता है कि कौन सी अप्रूव है कौन सी नहीं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने कहा ये बताना बहुत ज़रूरी था, कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं, हम मोबाइल यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एप्पल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड और एप्पल का जो है ना ये तकरीबन सेम ही है इंटरफेस, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद है ये सिंपल सा प्रोसेस था आपको समझ आ गया होगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में मेरा नाम टैग
करें वलीद आरफीन तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप यहाँ तक देख रहे थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।